अरे तुम दोनों लोग चले जाओ, हमने घर के डाल दिए। हम हम देखो हम जहाँ जहाँ बताएंगे आप जान दो, हम देख लेंगे। हम जब सुने हम देख लेंगे। मोसिना, कब से बिल्डिंग बन रही थी? ये बन रही है एक डेढ़ महीना हो गया इनका। मोसिना जी, किस तरह से वो दबंग जो था टीनू जिसका नाम है, हाँ? किस तरह से वो अपना यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहा था? वो अवैध क्या, वो सुनवाई नहीं करता गरीब आदमी की। वो कब से कह रही है दीवार उड़वाओ उतरवाओ, हमारी जो है दब जाएंगे या दीवार गिर जाएगी, वो उतारना नहीं चाह रही। तो कुल मिला के अवैध बन रही थी बिल्डिंग ना? हाँ, अवैध बन रहा है। अच्छा खास है, खुद जाँच कर लीजिए, आप जाके खुद जांच कर लीजिए तो पता चल जाएगा। प्रशासन यहाँ पर आया तो नहीं? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो गहरे गहरे गड्ढे हैं करे उन्होंने, और कालम से दीवार उड़ रही, नीचे फर्श बन रहा है, और नीचे गाड़ी का इंतजाम सब हो रहा है। दो मंजिल तीन मंजिल जितना भी बनाए बना लेगा। तो किस तरीके से आज मकान गिरा? जे मकान एकदम से जी दीवार थी, इससे दूरी दीवार थी, भड़भड़ा की दम से दीवार लौट पड़ी इनके ऊपर। तो कितने लोग दबे उस दीवार में? उस दीवार में अकेली दबी होंगे। मोहम्मद आशिक, मोहम्मद जी क्या कुछ हुआ यहाँ पर, वो हादसा बताएं। यहाँ पे ये हुआ जी, हाँ बताओ बताओ। ये मकान बन रहा था जी, टेनी अरोड़ा का जी, तो वहाँ ब्रेस्टपेंडिंग खोदा इन्होंने जी, 15 फुट गहरा नीचे से मना चला, सिंगल दीवार खड़ी थी वहाँ पे। कब से काम चल रहा है ये काम चल रहा है 15-20 दिन खुदाई। कितने लोग दबे यहाँ पर? यहाँ केवल एक महिला रहती थी ना अकेली, वो यहाँ पे मौजूद थी, वो अंदर लेटती बैठती, उनका मकान यही बचा था खाली। पूरी जमींदार थी मोहल्ले पहले देखा। क्या नाम है उनका? फरमीदा। क्या स्थिति उनकी समय? उनकी 65 साल की उम्र होगी। स्थिति क्या उनकी समय, कहाँ एडमिट है? जिला अस्पताल भेजा गया इस टाइम, वहाँ मालूम चले क्या स्थिति है उनकी, बाहर से कैसी उसकी हालत है और किस तरह से इलाज किया जा रहा है। सूचना के मीटिंग में देखो, अभी मैंने देखा भी है, सुगंधवती नाम है इसका, 55 साल की उम्र, श्यामपाल वाइफ ऑफ श्यामपाल। तो ये जो है इनको उन्होंने बताया कि जैसे दीवार जो है कुछ खुदाई कर काम चल रहा था, उसके अंदर जो है दीवार इनके ऊपर गिर गई है और चोटें हैं। अभी अभी इनका जो है इलाज कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, और बाकी जो है रिपोर्टिंग।